आखिर तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? यह सवाल हिलाल अहमद से कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अपने प्रिय दोस्तों की चुभती नज़रों ने या सवालिया नज़रों ने उनके मन में यह बात डाल दी कि वे एक ऐसी पुस्तक लिखें जो मुस्लिम, इस्लाम, इस्लाम धर्म और भारत में जो इस्लाम व्याप्त है या मुसलमानों का नाम लेकर जो राजनीति की जाती है उसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित कर सकें। मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में अल्लाह नाम की सियासत हिलाल अहमद की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। विकासशील समाज अध्ययन पीठ यानी CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हिलाल अहमद ने भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक इस्लाम और दक्षिण एशिया में जो प्रतीकों की राजनीति है उस पर शोध किया है। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, लगभग 3 पुस्तकें जो इससे पहले आ चुकी हैं वो अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, जिनका नाम है मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, मोनूमेंट्स, मेमोरी, कंटेस्टेशन। इसके अलावा दूसरी पुस्तक सियासी मुस्लिम्स और स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम्स इन इंडिया, ये पुस्तक उनकी आ चुकी है। और डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मैं विशुद्ध हिंदी भाषी हूँ, लेकिन जो पहली पुस्तकें आई हैं वो अंग्रेजी की हैं। अंग्रेजी के लोग उन्हें पिछड़ा ना समझ सकें और वे अंग्रेजी समुदाय में बाकायदा शामिल हो चुके हैं, लेकिन वह मानते हैं कि जो उनकी मूल भाषा है वह हिंदी है और हिंदी के करीब ही वह अपने को पाते हैं। एक लड़का जो आज के भारतीय समाज में ऐसे सवालों से जूझता है कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, उसके दिमाग में यह बात आती है कि क्यों ना मुसलमान और इस्लाम को लेकर आज जो भारत की अवधारणा है, जो भारत में भ्रांतियां हैं, जो अविश्वास है, उसकी वजह वह ढूंढता है। यानी हिलाल अहमद अपनी इस पुस्तक में उन वजहों को, उन कारकों को तलाश करते हैं कि आखिर भारत में मुसलमानों को लेकर ये जो उग्रवाद का माहौल है, जो अविश्वास का माहौल है, वह क्यों है। इसके लिए खास बात यह भी है कि वे इस पुस्तक में मुसलमानों को भी दोषी मानते हैं। उनका मानना है कि इस्लाम का जो संदेश है दरअसल उसे कई अर्थों में मुसलमान ही नहीं समझ सका है और शायद यही वजह है कि उसकी छवि धीरे धीरे कट्टरपंथी की बनती गई है। वह न तो अल्लाह को समझ पा रहे हैं, न पैगंबर के संदेशों को समझ पा रहा है, न वह कुरान की आयतों को समझ पा रहा है और अपने को दिनों दिन पिछड़ेपन की तरफ ले जा रहा है। जबकि हिलाल इस पुस्तक के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे आधुनिक धर्म है, खासकर समता, समानता और मानवता के मूल्यों को लेकर। अब जिस धर्म की स्थापना, जिस मजहब की स्थापना इस मूल्य पर हुई हो कि वह मानवता को समर्पित होगा, वह दया पर समर्पित होगा, वह सबको समान अवसर देगा, उसकी क्या विडंबना हुई कि आने वाले समय में जिसने अपने प्रादुर्भाव की कुछ एक दशक के अंदर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव कायम कर लिया, उसके साथ क्या बात हुई। तो इस पुस्तक के बहाने, इस पुस्तक में कुल 4 अध्याय हैं जिनके बहाने हिलाल अहमद इस बात पर दृष्टि डालते हैं कि भारत में जो इस्लाम की स्थिति है और मुसलमानों की स्थिति है दरअसल वह है क्या। ये जो 4 खंड हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है इस्लाम या भारतीय इस्लाम, विवाद और मुद्दे। इसमें उन्होंने इस्लाम क्या है, मजहब या सियासत, ये सवाल इसका उत्तर दिया है। हज़रत मोहम्मद कौन थे, इस्लाम की स्थापना और उसका प्रसार, इसकी बात की है। हज़रत मोहम्मद और राजनीति, इस्लामी राज्य व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा की है।
मस्जिद क्या है, क्यों बनाई गई मस्जिदें, उसकी बात की है। आखिर भारतीय इस्लाम क्या चीज़ है, इसकी जानकारी की है। और कौन है दलित पसमानदा मुसलमान जो आज की तारीख में केंद्रीय सत्ता के साथ साथ सभी दलों के लिए सियासत का एक सबसे बड़ा वर्ग हुआ है, बन गया है, जिसकी बार बार बात होती है। आखिर पसमानदा मुसलमान कौन है, इस पर भी वो दृष्टि डालते हैं। खंड दो में भारतीय इस्लाम की जो शख्सियतें हैं उनकी बात करते हैं, और उस दौरान भी सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबू अला मौदूदी और मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। तीसरे खंड में वो इस भारतीय इस्लाम की जो व्याख्याएं हैं उस पर जाते हैं, और यहाँ खास बात यह है कि वे शुरुआत करते हैं गांधी के मुसलमान से। गांधी के मुसलमान, हिंदुत्व के मुसलमान, सैयद शहाबुद्दीन की मुस्लिम इंडियंस, असगर अली इंजीनियर का सर्वहारा मुसलमान और मुशीरुल हसन के सेकुलर मुसलमान। कितने ऐसे मुसलमान होंगे जिनको मुसलमानों की इस तरह की व्याख्याओं की जानकारी है। मैं खासकर जो हमारे इस्लामी धर्म को मानने वाले मित्र हैं उन सभी को कहूँगा कि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, अगर वे अपने समाज का भला करना चाहते हैं तो ऐसी पुस्तकों को या उन विषयों को जिनके चलते आज मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है या गरीब है या जो किसी न किसी तरह से सियासत और कट्टरता का शिकार है वह उससे उबर सके, उसके लिए ये जानकारी ज़रूरी है कि भारत में मुसलमानों का जो वर्गीकरण है वह किन भागों में हुआ। चौथा खंड जो है वह मुस्लिम सियासत, चुनावी राजनीति, एक वैकल्पिक नज़रिया क्या हो सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के दौरान मुस्लिम राजनीतिक विमर्श, आज़ाद भारत का, भारत में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों और क्यों नहीं से परे एक बहस, आप कौन हैं, सच्चे भारतीय या कट्टर मुसलमान, इसकी चर्चा की है। पाकिस्तान जमीन से कटे उदारवाद की हकीकत क्या रही है, इसकी बात की है। हिंसा के तर्क और तर्कों की हिंसा, गुजरात 2002, इसकी बात की है। और सांप्रदायिक हिंसा और मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मुजफ्फरनगर के दंगे जो 2013 के हुए उनकी बात की है। और हिंदुत्व की राजनीति और मुसलमान, 2019 के बाद क्या स्थिति है, यहाँ तक हुआ थे। ये अलग अलग समय पर लिखे गए लेख हैं जिनको एक जगह इकट्ठा करके हिलाल अहमद ने प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में। खास बात यह कि इसका संपादन उन्होंने नहीं किया है, ताकि आप उस समय को समझ सकें जिस समय में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। लेकिन इस पुस्तक पर चर्चा को विराम देने से पहले मैं कुछ बातें इस पुस्तक के कुछ अंशों का जिक्र ज़रूर आपके सामने करूंगा। जैसे वो कहते हैं कि गांधी धर्म को लेकर एक पते की बात कहते हैं, वे गांधी को कोट करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उस दुनिया में न तो हिंदू हैं, न तो ईसाई, न ही मुसलमान। वे सभी अपने धर्म के अनुसार नहीं बल्कि अपने कर्म के आधार पर जाने जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में हमेशा धर्म का लेबल रहेगा। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के इस लेबल को तब तक बनाए रखना पसंद करता हूँ जब तक कि यह मेरे बौद्धिक विकास को शिथिल नहीं करता और मुझे उस सब को आत्मसात करने से नहीं रोकता जो अच्छा है और सही है। यह बात गांधी ने हिंदुत्व को लेकर कही थी कि वो हिंदू क्यों हैं। लेकिन हिलाल कहते हैं कि गांधी के शब्दों में जो हिंदुत्व की बात उन्होंने अपने लिए कही थी, इस्लाम मेरे लिए भी मेरा लेबल है। यानी अगर आप सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू, सच्चे ईसाई, सच्चे सिख, सच्चे यहूदी, सच्चे जैन, सच्चे बौद्ध बने रहना चाहते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सच्चा क्या है, हितकारी क्या है। कट्टरता का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है। इसी तरह से उन्होंने इस पुस्तक में अल्लाह और पैगंबर के बारे में बहुत विस्तार से बातें लिखी हैं, विस्तार से मत जाहिर किया है। और यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए जो समानता की बात करता है, समरसता की बात करता है। और समानता, समरसता, मानवता छोड़ दीजिए, अगर आप सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमान, सच्चे सिख और सच्चे ईसाई, किसी भी धर्म के सच्चे मनुष्य बने रहना चाहते हैं,
अगर सच्चा हिंदू बने रहना चाहते हैं तो भी आपको अल्लाह नाम की सियासत पढ़नी चाहिए, सच्चा मुसलमान रहना चाहते हैं तो भी आपको इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ना चाहिए। सेतु प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए, हिलाल अहमद को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ अपनी सीमाओं के बीच भी उन्होंने एक ऐसी कृति से हिंदी समुदाय को प्रस्तुत किया है उस किस पुस्तक के माध्यम से जो लंबे समय तक प्रभाव छोड़ेगी। अगर यह कृति पढ़ी जाए तो समाज कुछ न कुछ बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पुस्तक को सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, मूल्य 449 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 358। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।